रेडी रोल सर, क्या कहेंगे 56वां दिन आज है, कोई सरकार से बातचीत हुई? मैं धर्म सिंह शौरान, प्रवक्ता NXCC, नेशनल एक्सेसमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रवक्ता हूं, जो भारत सरकार से रिकनाइज है। आज 56वां दिन है, आपने बोलता सरकार से कोई बात हुई, हमारी जहाँ तक मेरी नॉलेज में किसी से सरकार से कोई बात नहीं हुई है। क्या देखते हैं, ये देरी की वजह क्या है? देखो, 3 तारीख को पूरे देश भर के जिलों में ज्ञापन दिया गया था, सरकार के नोटिस में तो होगी ना बात? नहीं, कोई ये कहे सरकार के नोटिस में नहीं है, ये बात तो हजम होने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो 3 अप्रैल का जो आंदोलन था हमारा, वो एक अभूतपूर्व आंदोलन था भारत के इतिहास में। 772 जिलों के अंदर हर जिले में 2,000, 2,500, 5,000 तक पूर्व सैनिक अनुशासित डिसिप्लिन में जाकर, और IAS लॉबी जो कलेक्टर होता है उसको मेमोरेंडम दिया राष्ट्रपति के नाम के। उसके बाद कोई कहेगा सरकार को मालूम नहीं है, तो ये तो अब एक अचंभे की बात है, ये छोटी चीज़ नहीं है। ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि 772 जिलों में हर कलेक्टर को 2,000, 2,500, 3,000 फौजियों ने अनुशासित लाइन बंद, बदतमीजी नहीं, गाली गलौज नहीं, लूटपाट नहीं, शांतिपूर्वक डिस्प्ले से जाकर भारत सरकार को मेमोरेंडम दिया है। उसके प्रकार किसी भी भारत का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर नहीं आना, ये अचंभे की बात है। अब आप कहते हैं सरकार को मालूम है कि नहीं है, सरकार का अपना गुप्तचर संस्था होता है, सरकार के पास अपनी IB है, अपना राह है, अन्य गुप्तचर संस्थाएं हैं, एक एक चीज़ की रिपोर्ट देती है, तो सरकार के पास रिपोर्ट तो 100% पहुंच चुकी है। लेकिन हमने कुछ सैनिकों से बात की थी, वो बताते हैं कि हम जब भी सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, वो यही बात बोलते हैं कि आपकी बात हमारे तक आई नहीं आज तक। अच्छा, ये आपको अचंभे की बात है। मैं NXCC के प्रवक्ता हूँ, मेरी रक्षा मंत्री पानीकर साहब से 5-6 मीटिंग हुई है, सीतारमण जी से 3-4 मीटिंग, हाँ जी, सीतारमण जी से हुई है, राजनाथ सिंह से हुई है। ये कहते हैं हमको मालूम नहीं था, ये तो एक झूठ बोलने वाली बात है। पूरा मेमोरेंडम देते हैं, पूरी समस्या बताते हैं, लिख कर लेके जाते हैं, उनके IAS ऑफिसर से भी बात होती है, सेक्रेटरी एक्सप्रेसमेंट वेलफेयर, उसके बाद खुद सरकार को हमने ये बोला है, सीतारमण जी को बोला कि हम बीजेपी की गोदरेज, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं मंच पर बोल रहा हूँ, और हमारी सरकार के खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे, आपकी वन रैक वन पेंशन में ये कमियां हैं, दिस इज अगेंस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, और हम कोर्ट में जाएंगे तो बेइज्जती होगी। बोलता आप कोर्ट में मत जाइए, हम समाधान कर रहे हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं। हमें इसको रक्षा मंत्री के जिसने कोश्यारी जी ने रिपोर्ट दी थी, इसको साथ लेकर हम 55 मिनट बात करके आए, एक एक सब्जेक्ट पे हाँ बढ़ते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अचंभे की बात है, वन रैंक वन पेंशन एक के बाद उसमें क्या कमियां रही हैं, इसके लिए भारत सरकार ने एक वन मैन जुडिशरी बैठाई थी, जस्टिस रेड्डी, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी ने पूरे इंडिया का दौरा किया, उसमें एक एक चीज़ उनको बताई गई, हमने भी बताई, उसके बाद भी सरकार कहती है मालूम नहीं है, ये तो अचंभे की बात है। सरकार को मालूम है। तो आपके मुताबिक जो मंत्री है वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता, मैं तो मंत्रियों को ये कहता हूँ, कहिए उनको वो कोई रिपोर्ट लगता है तो कोई बड़ा अफसर बोल दिया होगा, साहब 5-10 फौजी बैठे हैं, 150 बैठे हैं, ऐसे ही ड्रामा है। ये उस अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, वास्तविक स्थिति का जायजा नहीं लेते। सच्चा जो प्रजातंत्र में है, सही जो मंत्रिमंडल होता है, अपचंद गुप्त संस्था से प्रॉपर जांच करवानी चाहिए, वो प्रॉपर जांच नहीं करवा रहे। हमने बोला है, हमें आज इतना दिन धरने पर देखे हुए, सरकार बैठे, सामने मंत्री बैठे, सेक्रेटरी एक्सप्रेसमेंट वेलफेयर को बैठाए, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो एक्सपेंडिचर को बैठाए, तीनों जनरलों को बैठाए, हम गवर्नमेंट के लेटरों से ये साबित कर देंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय नहीं हुआ। वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ किन के लिए उठी थी आप बता सकते हो? कम उम्र में रिटायर होते हैं,
कमांडर रिटायर कौन होता है? सिपाही। नहीं जी, सिपाही से पहले भी होता है, मेडिकल बोर्ड वाला। दो साल नौकरी के बाद फौज के कारण, तीन साल नौकरी के बाद, पाँच साल नौकरी के बाद, सात साल नौकरी के बाद मेडिकल बोर्ड से आउट होता है। सबसे पहले कम उम्र का वो है, उसके बाद रिजर्वस्ट है, उसके बाद फौजी की विधवा है, फिर सिपाही है, फिर नायक है, फिर हौलदार। यह आवाज़ उनके लिए उठी थी, यह आवाज़ उनके लिए उठी थी। आपको बहुत अचंभा होगा कि वन रैंक वन पेंशन में जो टोटल अमाउंट था उसका 57% 3% आदमी अधिकारियों को दिया है, उस राशि का 43% 97% को दिया है। उसमें रिजर्व की पेंशन कटा दी, विधवा की पेंशन कटा दी, जो कम उम्र में रिटायर हुए हैं जिनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए थी उसकी वन रैंक वन पेंशन में घटा दी। रिजर्व की पेंशन, विधवा की पेंशन, मेडिकल वालों की पेंशन एक 17 साल के सिपाही के बराबर आज तक होती आई है। थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन में एक सिपाही की पेंशन होगी वो विधवा की होगी, वो रिजर्व की होगी, मेडिकल बोर्ड वाले की होगी। सिपाही की पेंशन वन रेकमेंड पेंशन में 17,000 से ऊपर है, विधवा की 17,000 से ऊपर होनी चाहिए, उसकी 9,000 रुपया कर दी। रजिस्ट की 9,000 रुपया कर दी। रजिस्ट 8 साल नौकरी करता है, उसके बाद 15 साल तक हर साल 2 महीने जाता है, 14 साल तक गया, 15वें साल नहीं गया तो पेंशन नहीं होती है, और उसके बाद मेडिकल बोर्ड वाले गए, विधवा की पेंशन कटा दी। जिनके लिए आवाज़ उठी थी, जिसको मिलनी चाहिए थी, उनकी तो पेंशन कटा दी। उसके बाद जिन्होंने 55 से 60 साल के बीच में उम्र में नौकरी करी है, जिनकी सर्विस 33 साल और 40 साल के बीच में है, कोश्यारी कमेटी में उनको पेंशन का अधिकार ही नहीं है, पेंशन उनको मिली। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और जनरल, पेंशन उनको मिली जिनको नहीं मिलनी चाहिए, जिनको मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए आवाज़ उठाई, जिसके कंधे पर बंदूक चलाई, उसको वन रैंक वन पेंशन में ही मार दिया। बच्ची कुची कसर वन रैंक वन टू पेंशन में जो बजट आया टोटल 28,28,00 करोड़ रुपए का बजट बताते हैं, 90% 3% अधिकारियों को, 10% 97% को मिला है। तो ये अप्लाई है। अरे जिसके लिए आवाज़ बताइए। हाँ, वन रैंक वन पेंशन भी तो इसी सरकार ने दिया ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे, सरकार ने दिया। पहले सरकार हाँ, देती थी। हमें क्या दिया सैनिकों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं मोदी? नहीं, आपको कल फहमी है। 18 दिसंबर 1972 को पार्लियामेंट में लोकसभा में इंदिरा गांधी जी की स्पीच देखी है, उसके बाद एक वीआईपी लेटर है 1972 का, जो 1947 से लेकर और जो भी लड़ाई मरेगा शहीद होगा उसकी विधवा को लास्ट पे ड्रा इंक्लूडिंग राशन मनी गुड मनी रैंक पे फॉर लाइफ मिलेगा। यह आदेश उस टाइम का है, उस टाइम का है। उस आदेश को इसमें कम कर दिया गया है। एक सिपाही जो लड़ाई में शहीद हो जाता, पेंशन 3-4 होती है, एक पेंशन होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, आप समझ लो वो होती है नॉर्मल सिपाही की, जेएसओ की विधवा की नॉर्मल डेथ के बाद उसकी 30%, जो पहले एक सिपाही के बराबर होती थी वो होती, इस कहा बोलते दिया है उसकी 17,000 तो पहले होती थी, 17,000 मिलनी चाहिए सिपाही की, उसकी 9,000 कर दी है, 9,000 तो कम से कम पेंशन है ही, कहाँ बढ़ाई। रजिस्ट की पेंशन एक 17,000 वाले सिपाही के बराबर होनी चाहिए थी, उसकी 9,000 कर दी, वो कहाँ बढ़ाई। मैं मेडिकल बोर्ड वाला हूँ, पहले मेरे को एक सिपाही के बराबर पेंशन मिलती थी, मेरी पेंशन भी घटा दी और डिसबिलिटी एलिमेंट भी घटा दिया। आप कहते हैं वर्ण बने में बढ़ाई है, किसको बढ़ाई है? मैंने अभी बताया ना, 57% राशि उनको बढ़ाई है जिनका हक नहीं था। सर एक बात बताइए, आपको सब जानकारी थी और जब ये चीजें हो रही थी तब लोग आपकी नहीं जागे थे? कौन बोलता नहीं गए? इन्होंने 96 में एक ऑर्डर निकाला था तो 1-1 96 के बाद जो भर्ती हुआ है उसको 50% 75% 100% मेडिकल मिलेगा, हमको नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के लाए, 15 साल के बाद हुआ है, इसको भी हम चैलेंज करेंगे, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, कमियां तो हैं। ये एक गुमराह किया गया। हमने वन रेकमेंड पेंशन दे दी 2014 में दी, उसके बाद हर रक्षा मंत्री से इनकी हमारी सबकी मीटिंग होती है, क्या एक शब्द पर भी सरकार ने कोई फैसला दिया? ये किसका आदेश है कि इनसे मीटिंग करो, चाय पिलाओ, इसके बारे में कोई फैसला ही मत करो? 2014 से 23 तक कोई फैसला आज तक सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की कमियों के बारे में नहीं किया गया।
क्या कारण, क्या पहलू देखते हैं इसमें, क्या कोई दबाव है अधिकारियों का दबाव है या सरकार की मनसा ही है कि हमें नहीं? देखिए अधिकारी के तो एक पॉलिसी हमेशा से रही है, अधिकारी को बोल देंगे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मोदी जी कहेंगे भाई मैंने वादा किया था वर्धमान पेंशन लागू कर दो, बोला जी हम लागू करेंगे। वो ऐसा गोल मोल बनाते हैं जैसे जलेबी बनती है ना, और जलेबी के बाद इमरती बनती है, क्या साहब ये इमरती है जवानों के लिए, बस जवान खाएंगे नहीं, इनको दिखाते रहो। वो ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं, इतना गुमराह करते हैं, कमजोरी सरकार के मंत्रियों की है। 2014 से आज तक इनकी जो कमियां हैं वो बताने के बाद उसको ठीक क्यों नहीं करवाते? बहुत छोटी सी बात है, रक्षा मंत्री जी अपने सेक्रेटरी एक्सपेसिव वेलफेयर IAS, जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ पेंशन और जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सपेंडिचर को आमने सामने बैठाओ, सिर्फ एक घंटा मीटिंग कर लो, जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज सुनते हैं, सामने वो बैठ जाए, उनको बैठा ले हमें बैठा ले, हम आज तक के गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से साबित कर देंगे वन रैंक वन पेंशन में डकैती डाली गई है, षड्यंत्र रच का सरकार का खरबों रुपया लुटा दिया गया, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको दे दिया, जिनको मिलनी चाहिए था उनको नहीं मिली। और ये सब सरकार की नाक के नीचे हुआ? बिल्कुल नाक के नीचे, मैं बोलता हूँ ये कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जांच करवाते हैं, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। जिनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी, आज मेरी आँख मेरा एक हाथ कट गया, मेरी पेंशन मालूम है कितनी हाथ कटने की? 4,500 रुपया। जेएसक्यूज का कट गया तो 9,000 रुपया, सुविधा मेजर का कट गया 10,000 रुपये का, और कर्नल का यही हाथ कट कट 1.5 लाख रुपये का, 2 लाख रुपये का, 2.5 लाख रुपये का। अरे रैंक के हिसाब से वेतन ठीक है, पे स्केल ठीक है, अंग भंग तो भगवान ने एक बनाया है, डिसबिलिटी एक्ट भारत सरकार ने बनाया लोकसभा में, वो कहता है कि डिसबिलिटी एक्ट एक है, तो ये कौन सा कारण है कि सिपाही का अंग भंग की कीमत 4,000 रुपया और जनरल और लेफ्टिनेंट कर्नल की लगभग 1.5-2 लाख रुपया? ये भी अचंभे की बात है, अंग भंग नहीं है, आपको दमा हो गया, बीपी हो गया, बीपी लो हो गया, शुगर हो गया, ये कोई फौज के कारण होते हैं क्या? आर्मी के ऑफिसर आजकल रिटायरमेंट के पहले ही मेरे को बीपी हो गया, मेरा शुगर हो गया, बीपी लो हो गया, मेरे को थायराइड हो गया, डिसबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। 44% आर्मी ऑफिसर जो मुख्यालय में सेना भवन में बैठे हैं वो डिसबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है भारत सरकार की, पार्लियामेंट में दे। और जवान जो बॉर्डर पे रेगिस्तान में -30 डिग्री में लद्दाख में, उनका एवरेज कितना है? 15 से 18%। जो बॉर्डर पर लड़ रहा है जिनको तकलीफ है उसको तो 15 से 18%, और जो सेना में मजे कर रहा है उसकी बीमारी 50%, और आर्मी के डॉक्टर उनका रेशो तो 55 और 60% है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी बोलते हैं उनकी करनी में और कथनी में फर्क है? बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। बड़ा इल्जाम लगा रहा है? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो कोई पहले राजा महाराजा गुप्तचर होते थे वो खुद भेष बदली करके अपनी सारी CID लेते थे, इस सरकार को भी अपनी जो गुप्तचर संस्था से, और हमको देशद्रोही थोड़े ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बॉर्डर पर जाते हैं, उन्होंने जवानों को रक्षा जैकेट दिया, बुलेट प्रूफ दिया, बढ़िया जूते दिया, बढ़िया खाने दिया, बढ़िया रहने का बंदोबस्त किया, बढ़िया हथियारों की सप्लाई करी, एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की सड़क बनाई, लेकिन ये वो जवान हैं, मोदी जी जब आ मिलने जाते तो कभी ये जवान भी उसी बॉर्डर पर थे, इन्होंने देश की रक्षा की है, ये देश के लिए इन्होंने 4-4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनसे बैठ कर आधे घंटा बात करके आउटपुट तो ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, अधिकारियों को बैठा लो, हमें 7 आदमियों को 10 आदमियों बैठा लो, सामने बैठ जाओ, 1 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल घपला हुआ है, पेंशन के नाम से घपला हुआ है। आखिरी सवाल, क्या सोल्यूशन देखते हैं? 56 दिन हो चुके हैं, सरकार मूड में नहीं है, आप क्या करेंगे आगे? सरकार तो हिमाचल प्रदेश में ही बोलता था हम पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे, बाद में उसको रिजल्ट मालूम पड़ गया, उसको मालूम पड़ गया, अब ये आपका मई में चुनाव है, सरकार को उस दिन आँख खोलेंगी जिस दिन वो हमारे राजस्थानी में कहा होता है चिड़िया चुग गई खेत, जब बाजरा तैयार होता है चिड़िया चुग जाती है, वो सीटें खाली रह जाते हैं, तो उसको जब अकल आएगी सरकार को। मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, बन जाता का मोदी जी का वो बिला, आजकल मोदी के बराबर में देश के लिए कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, PM देश के लिए बढ़िया नहीं है, हर आदमी में गुण और अवगुण है, मोदी जी को
जैसे देश की सेना को बढ़ाने में, वायुसेना, नेवी में, स्ट्रक्चर में, हथियारों में, अमनिशन में, राशन सुधार में, तो हम उसको 100 में 70 नंबर देते हैं। लेकिन बढ़िया कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत बलिदान दीजिए ना। कौन ये नहीं देख, ये इतना कुछ कर रहे हैं आप उनके विरोध में उतर गए, बलिदान नहीं दे। आपके बात सहमत हूँ। यदि इंडियन आर्मी के ऑफिसर भूखे हैं, हिंदुस्तान की मत 70 लाख फौजियों की पेंशन हम बंद कर देंगे, सिपाहियों की पेंशन बंद कर देंगे, बस वो आर्मी ऑफिसर को दे दो, हमें बंद कर दो। मेरा सवाल नहीं समझे, जिनको जिन अधिकारियों से कोई दिक्कत नहीं है, आप दो, अब और दो। दुनिया कहती क्यों देती, मैं नहीं कहता क्यों देती। मेरा कहने का मतलब है, जिनकी उम्र, जिनने 35 साल और 40 साल नौकरी करी है, 55 और 60 साल की साल में नौकरी करी है, यदि उसकी 4 लाख रुपया पेंशन है तो आर्मी की जवान की 2 लाख रुपया तो होनी चाहिए। कुछ तो अनुपात करो, ये तो नहीं उसकी तुम 4 लाख करो और आर्मी की जवान की 17,000 से उठाकर तुम 9,000 कर दो, विधवा की भी 9,000 कर दो। घटा दी, दर्द तो होता है, सेवा इन जवानों ने करी है, सेवा आर्मी ऑफिसर नहीं करते, वो गाइडलाइन देते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, आप 15 अगस्त का अखबार उठा के देख लीजिए,